रामदास अठावले प्लीज संक्षिप्त में। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, श्री अरुण जेटली जी, सुखदेव सिंह लिबराज जी, राम जेठमलानी जी और गुरुदास दास गुप्ता जी जो अपने हाउस के मेंबर थे, और ये सभी की मुर्जा गई है कली, ये सभी नेताओं की मुर्जा गई है कली, मैं देता हूँ आरपीआई की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। राइट, इनका योगदान अपने समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। जगन्नाथ मिश्रा जी के बारे में हम सुनते थे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और किसानों के बारे में उनको बहुत बड़ी श्रद्धा थी। किसानों को न्याय देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था। रामदास जी, अरुण जेटली जी तो प्लीज संक्षिप्त में, अन्यथा मत लीजिए, समय हो रहा है, कितना और भी लोग हैं, मतलब वक्त पर मेरा जरूर है ध्यान, लेकिन मेरे भाषण पर मत लगाओ बयान, मैंने थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इनका अरुण जेटली के बारे में, मतलब वो बहुत ही सुस्वभावी नेता थे, बहुत ही एक्सपर्ट मतलब वक्ता थे, और विरोधी दलों को बहुत ही अच्छी तरह समझाने वाले वो वक्ता थे। तो मैं लगातार, मैं अभी पाँच साल, साढ़े पाँच साल हो रहे हैं, तो जब अरुण जेटली जी यहाँ के सभागृह के नेता थे, तब उन्होंने मतलब इस हाउस को बहुत अच्छी तरह से चलाया था। तो इसी तरह मतलब अरुण जेटली जी थे जेंटलमैन, अरुण जेटली जी थे जेंटलमैन, वो राज्यसभा की शान थे। अरुण जेटली जेंटलमैन थे, वो राज्यसभा की शान थे, हम उनके फैन थे, क्योंकि वो सुस्वभावी मैन थे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये सभी नेताओं को मैं भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ। राम जेठमलानी के बारे में तो मुंबई में रहते थे, तो मेरे और उनके बहुत अच्छे संबंध रहते थे। आखिर तक मतलब वो न्याय के लिए काम करते रहे, कोर्ट में जाते रहे, और बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत एक्सपर्ट नेता के रूप में, बहुत ही एक्सपर्ट वकील के रूप में उन्होंने काम किया था। तो ये सभी नेताओं को मैं मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आदरांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत।